का कहर दिल्ली के शहर। क्या समझ रखा है आपने हमको? बाराती का ढोल कि आप बजाते रहेंगे और हम डांस करते रहेंगे। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये अभी तक एक पंडित। आप प्रधानमंत्री बनने वाले हो? आप सभी को अनिल कपूर की जबरदस्त मूवी नायक तो याद होगी ही। इस फिल्म की स्टोरी काफी जबरदस्त थी। फिल्म की स्टोरी और अनिल कपूर की जबरदस्त एक्टिंग ने ही फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। फिल्म को ज्यादातर इसकी स्टोरी की वजह से जाना जाता है, पर अब खबर आ रही है कि बहुत ही जल्द हमें इस फिल्म की तरह एक और जबरदस्त स्टोरी देखने को मिलने वाली है। यानी कि बहुत ही जल्द हमें नायक फिल्म का सेकंड पार्ट देखने को मिलने वाला है। काफी इसमें पहले ही ऑडियंस मांग कर रही थी कि हमें नायक 2 मूवी देखनी है, पर मेकर्स की तरफ से अब जाकर इसके सेकंड पार्ट को लेकर कुछ अपडेट सामने आई है। और जब से अपडेट सामने आई है, तब से लोगों के बीच में फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। और एक्साइटमेंट के साथ साथ कई सवाल भी सामने आ रहे हैं कि अब की बार भी फिल्म में हमें अनिल कपूर ही देखने को मिलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि अनिल कपूर भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे या नहीं। आने वाले कुछ दिनों में हमें फिल्म की कास्टिंग के बारे में सब कुछ सुनने को मिल जाएगा और मेकर्स की तरफ से भी इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, लेकिन तब तक हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पर फिल्म में विलन का रोल कौन निभाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि नायक फिल्म के फर्स्ट पार्ट में अमरीश पुरी सर ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग की बदौलत ही फिल्म को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। और अब देखना तो ये होगा कि फिल्म में अमरीश पुरी सर की जगह कौन लेता है। आने वाले समय में हमें इसको लेकर भी अपडेट्स मिल जाएंगी। फिल्म की बाकी कास्टिंग को लेकर भी मेकर्स की तरफ से कुछ न कुछ सुनने को मिल ही जाएगा। वैसे अभी इस फिल्म को रिलीज होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अगर फिल्म में अनिल कपूर को ही कास्ट किया जाता है तो अभी अनिल कपूर अपनी कई फिल्मों पर काम कर रहे हैं। इन फिल्मों का काम खत्म होने के बाद ही वो नायक 2 की शूटिंग करेंगे। अगर फिल्म में हमें दूसरा कोई बड़ा स्टार देखने को मिलता है तो हो सकता है कि फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द शुरू कर दी जाए, लेकिन अभी फिल्म की स्टोरी पर काम चल रहा है। अब देखना तो यह होगा कि फिल्म की स्टोरी आपकी बार क्या होती है। क्या फिल्म की स्टोरी को पिछले पार्ट से ही कंटिन्यू किया जाएगा, या आपकी बार फिल्म हमें एक नए सिरे से देखने को मिलेगी, ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। सुनने को तो मिल रहा है कि इसी साल यानी 2023 में ही फिल्म की स्टोरी और फिल्म की कास्टिंग को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद फिल्म की शूटिंग 2024 में शुरू हो सकती है और फिल्म हमें 2024 के लास्ट में या 2025 में देखने को मिल जाएगी। यानी कि अभी इस फिल्म को रिलीज होने में लगभग 1.5 से 2 साल का समय तो पक्का है। सभी लोग फिल्म की स्टोरी जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि पहले पार्ट की स्टोरी की वजह से ही फिल्म को लोगों से इतना अच्छा रिस्पांस मिला था और फिल्म को हिट कराने में फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर की भी काफी ज्यादा भूमिका थी। अब देखना तो ये होगा कि नायक 2 फिल्म को भी एस शंकर ही डायरेक्ट करते हैं या फिर कोई और करता है। बाकी दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।